मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मानव की देह प्राप्त हो भी गई, और मानव की देह प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारा ये संसार सागर में आना तो व्यर्थ रहा। जैसे किसी तीर्थ में गए और किसी तीर्थ में जाने के बाद में, किसी तीर्थ में पहुंचने के बाद में आप बद्रीनाथ चले गए, जगन्नाथ चले गए, द्वारका जी चले गए, रामेश्वरम चले गए, या उज्जैन महाकाल की पावन धरा पर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद यदि आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलकर आ गए, कुटुंब वालों से मिलकर आ गए, अपने परिचितों से मिलकर आ गए, पर देवाधिदेव महादेव के दर्शन नहीं करे, या बद्री विशाल भगवान के दर्शन नहीं करे, या हम जिस तीर्थ में गए हैं उस तीर्थ में पहुंचने के बाद हमने उस भगवान का स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर उस तीर्थ में जाने से फायदा क्या होगा? उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हमने इस मनुष्य शरीर से शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम पहचान ही नहीं पाए, शिव तत्व को हम जान ही नहीं पाए, तो फिर इस मानव शरीर को पाने से मतलब क्या होगा? 83,99,999 जन्म निकाले जाते हैं तब जाकर यह 84 लाख नंबर का जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद यह मानव का शरीर मिला। और 83,99,999 जन्म निकल जाने के बाद जब यह मानव का शरीर मिला तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए जो 84 लाख का जन्म मिला है कोई यह जन्म साधारण नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। बाबा से ये निवेदन, अपनी चित्त वृत्ति को धारण करने के लिए, भगवत भजन को धारण करने के लिए, भगवत स्मरण को धारण करने के लिए, शिव भक्ति को धारण करने के लिए यह मानव की देह मिली। और यदि इस मानव की देह को ही हम व्यर्थ में गंवा दें तो फिर जीवन नरक। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की यह जानने के लिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा हुआ है, किस लिए जन्म हुआ है, आपके और हमारे जन्म का कारण क्या है, क्यों मृत्यु लोक में आ गए, क्यों जमीन पर जन्म हो गया, क्यों पृथ्वी पर आ गया। इस जन्म का कारण क्या है तो उसका दो कारण हमने पहले भी वर्णन किया शिव महापुराण में कि मनुष्य के जन्म का दो कारण है, एक पूर्व में किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए यह मानव का शरीर। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगी है, अगर आपने पूर्व में अच्छा कर्म करा है तो आपको आज अच्छा मिल जाए। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, किसी जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते ही नहीं है, जिससे आप कभी मिले ही नहीं है, उसको यदि तुमने एक लोटा पानी भी पिलाया है, उसका मुंह भी झूठा कराया है, तो ये निश्चित है कि हमारा जो जन्म अगला मिला है इस जन्म में हमें भी कोई ना कोई सुख अवश्य प्रदान करेगा, ये निश्चित है। ये जो सास और बहू के जो रिश्ते होते हैं, देवरानी और जेठानी के जो रिश्ते होते हैं, कुटुंब और परिवार के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं,
शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो रिश्ते बनते हैं ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार बनते हैं। हमने किसी को साथ दिया है, हमने किसी की सेवा करी है, हमने किसी को एक पल के लिए भी अगर अच्छा करा है तो ये निश्चित है वो हमारी बहू बनकर हमारी सेवा 24 घंटे कर देती है। अगर हमने पूर्व में कर्म किया, अगर हमने अच्छे कर्म किए और अग्रण्य हुए हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने पूर्व में जो कर्म करा है, पूर्व में अगर किसी का बुरा करा है तो निश्चित है कि आज हमें भी बुरा ही मिलेगा। इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दे। पूर्व के कर्म का हमें भोगने को मिलता है, इसलिए आपको बारंबार पहले भी कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही संजोना पड़ेगा। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार, आप कितना भी समझा लो उसके समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगी? जब अपने हृदय से, अपने दिल से ये विचार कर ले कि जो मैं पी रहा हूं ये मेरे जीवन को और मेरे घर को और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है तो वो छोड़ दे। पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में रख दूंगा, तुझे यहां रख दूंगा, तुझे वहां रख दूंगा, पर जब तक वो भीतर से जड़ी नहीं होगा, जब तक वो भीतर से जड़ता धारण नहीं करेगा तब तक वो नहीं छोड़ेगा। काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा ये सब तुम्हें भीतर से तोड़ना होगा। अभी कथा में आए हो, 2 बजे कथा चालू हुई, तुम सुबह 8 बजे से कंगी पार्टी कर पुरा के तैयार मैयार हो हुआ के और पहुंच गए। अब सुबह 8-9 बजे से तुम तैयार हो के कथा में बैठे, कितनी पहले से तैयारी करी तब जाकर 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने अपने घर को चले जाएंगे, रात्रि सोएंगे, सुबह उठ के फिर तैयारी चालू हो जाएगी। और किसी किसी ने तो कथा चालू भी नहीं हुई थी उससे पहले तैयारी कर ली थी कि मैं तो कथा में जाऊंगी, बाकी का रसोई घर तू देख लेना। किसी किसी ने कर ली, कोई कोई चतुर थे तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली कि देखो अब मुझे जाना है, दिवाली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, होली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, ब्याह आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, नाना नानी छोरा छोरी की शादी आई, ब्याह आया, जन्मदिन आया तो हमने पहले से तैयारी। अब हमने पहले से तैयारी क्यों करी कि जब दरवाजे पर बारात आएगी कोई काम आएगा तो एकदम टेंशन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए, हम एकदम तुरंत, कोई ने कहा हल्दी ला के दो हल्दी ला कर दे, कोई के मेहंदी ला के दो मेहंदी ला के दे, कोई के हमको ये चाहिए हम वो नहीं। ये तैयारी आपने करी। उसी तरह पशुपति व्रत कर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर, शंकर भगवान को एक बेलपत्री समर्पित कर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप कर, गौरी शंकर बोलकर,
भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, एक लोटा जल तुम शिवजी को समर्पित कर रहे हो या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आ गया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे साथ में है। तीन आंख का व्रत किया, शिवजी का एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान शंकर को समर्पित करा। और एक निवेदन आप सबसे, जल तो चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। अगर छल कर किसी का हमें बुरा करना है तो हमने जल चढ़ा दिया, या मेरे घर में मेरे को इसका बुरा करना है तो जल चढ़ा दिया, या मन में कोई कपट रखकर, कोई पाप रखकर, कोई छल रखकर, कोई बेईमानी रखकर, कोई भीतर प्रपंच रखकर यदि हम शिव जी को एक लोटा जल ही चढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई महत्वता नहीं। निष्कपट भाव, निर्मल मन से, निर्मल मन से आप भगवान का भजन करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो कथा का रसत्व प्राप्त होगा। लगता है मेरे महादेव मेरी जागीर है तो शंकर जी भी कहते हैं मेरी जागीर मेरा भक्त है, ये निश्चित है। तो कोई मतलब भजन और भोजन का जो सुख है, मेरे इंदौर के निवासी खिलाना भी जानते हैं और खाना भी जानते हैं और भजन में ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं मेरे इंदौर वासी भजन में, कोई इनके भजन का स्मरण तो करे, कोई इनकी भक्ति का स्मरण तो करे। ओम ने ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, अरे हर महादेव। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी दया, तेरी करुणा सदा बनी रहे। भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ओ भोला सब दुख काटू भार। शिव कथा का अपने चित्त को, अपने मन को, स्वयं को समझाना पड़ेगा, इसको दूसरा कोई समझा नहीं सकता, इसको दूसरा कोई सुधार नहीं सकता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण धर्म में कर्म से वंचित हो जाना एक अलग बात, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले, कोई वैश्य के घर में जन्म ले ले, कोई क्षत्रिय के घर में जन्म ले ले, कोई शूद्र के घर में जन्म ले ले, पर शिव महापुराण की कथा करती अपने कर्म ठीक होना चाहिए। ये जितना भी आपको और हमको मिला है हमारे कर्म से मिला, और आगे भी जितना मिलेगा वो केवल कर्म से, कर्म के सिवाय हमको प्राप्त नहीं हो सकता। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी वो शिव की उपासना थी, शिव मंदिर में रोज जाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। देवराज ब्राह्मण की माता रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को ले जाकर विसर्जन। आपको कथा में पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी नदी के अंदर ही जाकर आप निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करें, क्योंकि अगर हम सारा मंदिर का पूरा के पूरा निर्माल्य उठाकर अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जन करें तो पवित्र नदी भी धीरे 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 फूल पत्ती से वो भी दूषित होती चली जाती। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्माल्य को उठाकर नदी में ही डालेंगे, नदी में ही विसर्जन करेंगे। शिव महापुराण की कथा करती है उस निर्माल्य को ले जाकर किसी एक खड्डे में, एक कोई एक जगह ऐसी बना ली जाए जहां पर आप उस निर्माल्य को ले जाकर डालते हैं, धीरे 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 वो निर्माल्य भी खाद का रूप ले लेगा और उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं कहीं वृक्षों में उसको डालने के भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, उसको डाल सकते हैं।
आपको पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ। पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से, धूपबत्ती अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाती। आप शिव मंदिर में जाकर केवल आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक नियम बना सकते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का मैं मंदिर साफ करूंगी, या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करूंगी, या उसको पूरी आप जाकर कितनी सुंदर बात कही। शिव महापुराण में चरित्र आता है, एक नरसिंह पुराण का चरित्र है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चल रहे थे। और माता पार्वती जी जब भ्रमण पर चली जब माता पार्वती जी भ्रमण पर जा रहे चल रहे माता द्रौपदी जी जब अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली हैं, नरसिंह पुराण कह रही है कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ जा रही थी और जाते 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 बीच मार्ग में कोई दो असुर, कोई दो राक्षस ऋषि का रूप रखकर आ गए और संत का रूप रखकर वो पांडवों के रास्ते को भटका रहा, पांडवों के मार्ग को भटका। बीच मार्ग में उनका भेद जाना, संभव बीच मार्ग में उनका भेद जाना और दो मुनि का वेश धरकर, ऋषि का वेश धरकर, दो संत का वेश धरकर उन्होंने पांडवों के मार्ग को भटका दिया, पांडवों के मार्ग को अच्छे थे चले आगे बढ़े। दोनों के दोनों असुर जब आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने जब द्रौपदी का सुंदर स्वरूप देखा और द्रौपदी के सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों लोभित हो गए, मोहित हो गए और द्रौपदी को पाने का तरीका ढूंढने लगे। अब पांडवों को अलग मार्ग पर भेज दिया और ये दोनों असुर, दोनों दैत्य, दोनों राक्षस द्रौपदी जी को पकड़कर ले जाने के लिए आतुर हो गए। जब दोनों ले जाने के लिए आतुर हुए, इतने में अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को कोई हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। अर्जुन पीछे पीछे भागे और अर्जुन पीछे पीछे भागकर द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे दौड़े, दौड़ते से उन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए असुर का, राक्षस का हाथ पकड़ा और उसको द्रौपदी को छुड़ाने लगे। बस छुड़ाते से वो जो असुर था बहुरोमा, जिसका नाम था बहुरोमा दैत्य, उस दैत्य ने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण कर लिया, नारायण सा स्वरूप हो गया। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर, अर्जुन ने पूछ लिया कि बहुरोमा आप ये राक्षस की प्रवृत्ति में कैसे आ गए, और एकदम आप राक्षस की प्रवृत्ति से छूटे, द्रौपदी का हरण करते करते मैंने आपका स्पर्श करा, आपको मारने के लिए आतुर हुआ और आप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आपने धारण कर लिया। बहुरोमा ने कहा मैं चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था,
इससे पहले भी मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। चंद्रवंशी राजा रहा, मेरा नाम जयध्वज रहा। मेरा एक नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई वस्तु पड़ी उसको उठा लेना या मंदिर को लीपन कर देना। लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर। पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, इसको लीपन कहते हैं। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाए, परमात्मा में समाहित हो गए। अब मेरा नाम जयध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, मां जगत जननी के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे, तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएंगे। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टाकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर जरा ध्यान रखिएगा। मंदिर जा रहे हो तो 50 हजार पूछ रहा है, पशुपति व्रत क्यों करे, किसके लिए करे, सियोर वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो, अच्छा जींस पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अक्ल होना चाहिए, काय को तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो, रे क्यों जा रहे हो, फालतू के कलाकारों का कला देखने के लिए मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे दो घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। मैं दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी, इससे ज्यादा कुछ। किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिख गए, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिख गए, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव अदिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है, वो शिवालय। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अदिदेव महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। उस सूत्र के बंधने से यह सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है, रोज प्रतिदिन हर पल। कही जाती है उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पलने में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी सयन के लिए अंदर चले जाता है, वो अपने घर में भ्रमण करता है। इसलिए वो गोवर्धननाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धननाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देव अदिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, रोज। ऐसा कोई पल नहीं है, सिर्फ घड़ी, ऐसा कोई। और मैं जयध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना, या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी। मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। पर हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो
16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है। स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी जीवन, बोलो जी, दासी को भेज दिया। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा यहां झाड़ू लगाने आते, पोछा लगाने आते। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ जाता है, इतना ऊंचा बैठ जाता, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, परंतु कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाती है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना, बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ गई वहां बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत VIP, इधर से साड़ी में 4-6 पिन, इधर से पिन, और सब दूर से लगा लोगों पर पेंसिल से लाइन खींचने, डब्बा भर गया, उसके बाद यहां से कत्थई, यहां से नीली, और यहां से फुट, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाकर बिठा दो, और भजन में, भजन में ताली बजाने का नंबर है। अब क्यों बजाए ऐसे? क्या इसको मन हट नहीं दिया? नहीं, परंतु हम भी यही लोग कहेंगे, बताओ भगवान महाराज की कथा में ताली बजा रहे थे, इतना VIP हो, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर तू ताली बजा रहे, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे। तो ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं तो तुम भी झुको। शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कर रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए, अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवाकर खुद बिछाकर बैठना चाहिए, ये हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बिचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं जजमान को, यहां यहां हम बिछा दे रहे, बैठ गया आंटी, आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान बाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाए, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली स्वयं लगाकर रखिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो टेबल पर पहले से काजू बादाम पिस्ता इलायची, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी के यहाँ कलम गए थे तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था, तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ, कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीज इन्हें जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देव अधिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा, और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो, तिजोरी है घर की तिजोरी, कभी नौकर से कह देना बेटा घर चले जा मेरी तिजोरी रखी उसकी सफाई कर दे, नौकर ऐसा साफ करेगा दादा भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाए, पूरा दिखेगा ही नहीं तेरे, तो देख अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई कर, करे साफ साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक
घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित है। अब स्वयं लगा बेभव का सुख, सत्ता का सुख, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसके घर में जो सत्ता का भी अगर सुख भोग रहे हो तो ये निश्चित है कि आपने पूर्व समय में जरूर शंकर जी के मंदिर में या तो झाड़ू लगाई होगी, या सेवा करी होगी, या वहां का निर्माण लोटा पर विसर्जन करा होगा, या पूजा की थाली लगाई, उसका सुख है। हम जहां भी कथा करने जाते हैं तो हम हमेशा स्मरण में रखते हैं कि भोलेनाथ जी, हम उनसे भी कहते हैं बाबा तूने जितनी जगह कथा कराई, चाहे कानपुर कराई हो, चाहे काशी कराई हो, चाहे जहां जहां आप कथा करा रहे हो, या आपकी कृपा करुणा है, तो हमने देखा है जहां शंकर भगवान को मानने वाला होता है या शिव भक्ति में डूबने वाला होता है, ये सुप्राण होती भी वहीं पर हो जहां शंकर के भक्त। हमने शुरू से देखा है शुक्ला परिवार में, संजय जी शुक्ला जी के इस पूरे परिवार का हमने स्मरण किया है कि इनके परिवार में शंकर का अभिषेक, पूजन, अर्चना और शिव स्तुति आज से नहीं, इनके दादा परदादा के समय से होती आ रही है। ये शिव और उसी का फल मिलता है, और उसी का फल, उसी का नाम। महाराज जय ध्वज ने कहा ब्राह्मण देवता, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, इसीलिए मेरे को आज राजा का राज्यपाट मिला हुआ, राज्यपाट मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान के मंदिर में सफाई करना क्यों नहीं छोड़ते, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना क्यों नहीं छोड़ते, शंकर मंदिर में पोछा लगाना या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना क्यों नहीं छोड़ते। पूर्व समय में ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को मैं उस समय पर रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण जो पूजन नहीं करा सकता, मैं रेवत ब्राह्मण था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है कि मैं रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण था, मुझे पूजन का अधिकार नहीं था, मैं पूजा नहीं कर सकता, मैं भगवान की आराधना में कहीं किसी स्थान पर बैठकर यजमान को बिठाकर पूजा नहीं, पर मैंने धन के लालच में, धन के चक्कर में पूजन कराना प्रारंभ कर दिया, मुझे धन मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, पर मैं रेवत था माना, पर मेरी बुद्धि भगवान में नहीं रम पाती थी, मैं वेश्यावृत्ति में लगा रहता था, जुए में लगा रहता था, गलत काम करता था, गलत चीज में डूबा रहता था। एक बार मैं किसी जगह पर पूजन कराकर आ रहा था, मैंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया, मेरे पास में पूजन का जो झोला था, पूजन की जो पोटली थी, उसमें बहुत सारी सामग्री थी। जरा ध्यान से सुनना कि मंदिर में केवल सफाई करने से क्या मिल जाता है, केवल निर्माल्य विसर्जन करने से क्या मिल जाता है, केवल मंदिर में आप साफ रख दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है। राजा कह रहा है जय ध्वज कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व समय में एक ब्राह्मण था, रेवत ब्राह्मण था, और मैं ब्राह्मण पूजन कराने का मुझे हक नहीं था उस समय, पर मैंने पूजन कराई, इकट्ठा कराई, पर पूजन करा करा रहा था, मार्ग में से एक सुंदर स्त्री निकल कर जा रही थी, उस स्त्री को मैंने देख लिया, जबरन पकड़कर उसको टूटे हुए खंडेरे की ओर लेकर गया। मुझे नहीं मालूम था कि यह शिवजी का मंदिर है, मैं गलत कार्य के लिए उसको लेकर गया था। मैंने जब अंधेरा देखा तब अपने पात्र में से, अपने वस्त्र में से थोड़ा सा घी जो लाया था यजमान के यहां से, उसको निकाल कर अपने ही उस पात्र में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर दिए में डुबो कर उसको जलाया। गलत कर्म के लिए गया था, उस नारी के साथ में गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया, और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए, उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है, और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा, जानकर वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए, मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है वो जन्म मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था,
मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मेरा पाप कर्म कितना करा था। इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया। तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का कान आना। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको, तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता, छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं। उसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी। तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई। दूसरा, बोलो बोलो जमते बेटा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली। बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से तीन हिस्से करके मत ले जाओ, मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, तीन हिस्से से छह दिए लेकर जाते हो तो छह ही दिए जमीन पर रखो, पांच प्रज्वलित करो, एक वापस थाली में रखकर लेकर आओ, प्रसाद के बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं, उसका फल क्या होगा यह मालूम करो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो यह अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं, पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है, 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं, और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं। बाबा सहारा बनकर चलो, बोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। सात दिन शिव महापुराण की कथा इस कैलाश, जहां शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो, तीन महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना, ढोंग प्रपंच में ना पड़कर एक लोटा जल लेकर जो मंदिर जा उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा जरूर देगा, ये निश्चित है। बैठिए, हर महादेव, बैठिए, हर हर, देगा, निश्चित है, छोड़ेगा। वो दिल से देता कृपा, अब विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो, तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ है, तो जीजी कहां गई, जेठानी का पूछ रही है, जेठानी कहां गई, और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया तो क्या पूना वाली आ जाएगी दो घंटे के अंदर, बोलो तो रही, इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आएगी।
और तुम्हारे पास में वो रहती है जिससे तुम्हारी नी बनती, भले नी बने लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे पहले आके खड़ी हो गई, ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती हूं, अपोलो तुरंत आई और लेके चलती, वो तो पूना वाली को फोन लगा के पूछी, और तो भी वही प्री लग रही ढोल की, दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही, क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि दिवाली पे चार दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत खोलना तेरे हाथ, तो कुछ मत बोलना, बस बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना, हो जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख तब फायदा मिलेगा, वो भी आते मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई, सोने के लिए इतनी खुश हो गई, और मम्मी से निवेदन है जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुहा, अब जा, कठिन है जो पास में रह रही है वो पहले आएगी, इसलिए निवेदन है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाओ, दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा, आप कहोगे गुरु जी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ या उस मंदिर में जल चढ़ाओ, आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो, क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता, आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा अष्ट द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है, पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में यह द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता, कब कब पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है, मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव 24 घंटे रात के समय भगवान का नाम ले रहे 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर पल कहो, हर घड़ी कहो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर पल कहो, जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब जब उसका फल मिलता मिले, देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती सफाई करती, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल चढ़ाने का फल क्या हुआ कि देवराज चोरी कर आ रहा था, चोरी का धन उसके साथ में था, उसको शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर में चला गया, मंदिर में जाकर छुप कर बैठा क्योंकि ठंड लग रही थी, शरीर तपन मान, पंडित जी वहां के जो पूजन कर रहे थे शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, बीच बीच में आवाज लगा रहे थे हार हार, हमने बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के मैसेज और पत्र बहुत आए, उस मैसेज में लोगों ने लिखा था कि हम गाड़ी चलते चलते आपकी कथा सुनते हैं, ऑफिस में काम करते करते कथा सुनते हैं, और आप बोलते हो हर हर महादेव, हम जैसे जम के हाथ ऊपर करते हमारे ऑफिसर हमको देख के टोक देते, कई बार टू व्हीलर गाड़ी चला रहे होते हैं और हेडफोन लगा हुआ है और कथा चल रही है, और आपने कह दिया दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, अब भय लगता है कि या तो बोलो या तो फिर मरो, इसलिए फिर गाड़ी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है, हर हर बोलना पड़ता, तो हमने अब कथा में बीच बीच में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया, पर तुम्हारा मन करे कभी कभी कथा में तुम्हें पड़ोसन की सोती हुई दिखे तो तुम बिल्कुल बेझिझक तुमको छूटे एकदम, बिल्कुल 7 दिन तुम बढ़िया आनंद में, वो सो रही और तुम उसके पास पड़ो, फिर बर्तन निकालेगी पानी की बैग में से, क्या हुआ था, हर हर महादेव, कथा में सो रही है, हाँ हाँ घर पे नहीं सोई थी, रात भर शिवर वाला महाराज दिखा है, कथा में जाऊंगी, कथा में खानो नहीं भागा मन, दौड़ दौड़ मन सत्संग,
ये चित्त ये मन ये वृत्ति दौड़ी भगवान के चरणों की। देवराज ब्राह्मण मंदिर के अंदर ब्राह्मण देवता आवाज लगा दिया। देवराज को लगा मेरा शरीर तप रहा है, मैं बाहर जाऊं। देवराज ब्राह्मण बाहर आ गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज ब्राह्मण बैठे थे, वहीं पर उनके प्राण चले गए। जैसे ही प्राण छूटे, कैलाश धाम पर से नंदी पर चढ़कर मेरे देवाधि देव महादेव आए और उन्होंने अपने गणों से कहा इसको लेकर चलो। देवराज ब्राह्मण को जब ले जाने लगे तो देवराज हाथ जोड़कर कहता है, मैंने कोई पुण्य नहीं करा। तिथि को देखकर तो लगता है कल तेरा क्या होगा रे कान्हा। डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। ओ मतवाला मेरा मतवाला, मतवाला ओ मतवाला बाबा मतवाला, मतवाला अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। डम शिवाय नमस्ते भोला सब दुख काटू हो, भोला सब दुख काटू। शिव शंकर जगूं ते माला, भोले बाबा जगूं तेरी माला, भोला सब दुख काटू हो, सब दुख काटू। शिव कथा कर रहा है। देवराज ने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया, क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका यह फल। एक बेलपत्ता जो ये पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान है और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान। एक बेलपत्र कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लग रहा तब प्रयास करें कि एक बेलपत्र, बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल चढ़ाकर उसी को शिवजी पर चढ़ाने पर वो जल समर्पित करा, जो कलश में जल है किस किस जगह पर चढ़ाना है, उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है, अशोक सुंदरी वाली जगह, थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया, बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित। अभी रखो कथा के विराम पर ले लो, दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र ज्यादा नहीं, और फिर एक निवेदन करेंगे अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो
पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या, चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं, जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी ला रही चढ़ाई। अच्छा एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तो इनके चेहरे की चमक देखना खूब आनंद मिले, खूब चमक, अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो, सारे ढोंग प्रपंच से दूर आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा, शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाता है। कब तक? जम के बोलो कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भावर डल जाती है, भावर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है, स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना, अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी कथा चालू हुई जब पूजन करे, फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोली हमारा पूरा परिवार भी प्रणाम कर, हमको बड़ी खुशी हुई, कम से कम परिवार की संगठनता दिखाई दी कि एक साथ जो परिवार आता है परिवार का नाम अच्छा लगा। हमने कान दो, जब आते गए आते गए आते गए आते गए तो हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था तू इतने दिन बाद द्वारका आया है, तेरी मैं तेरा छोटा भाई हूं, कृष्ण कहते हैं तेरी बहुएं तुझे प्रणाम करना चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा बुला लो, इनको क्या मालूम था कि इतनी सास, हमको भी क्या मालूम था कि हमने परिवार बनाया था, अब वो तो आती है। सुदामा जी भी आशीर्वाद देते गए, अखंड सौभाग्यवती भाव आंदो, अखंड सौभाग्यवती भाव, 1915-20 होंगी से ज्यादा थोड़ी होंगी, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। अब तुम भी जरा दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती भाव इसको जरा बोलते जाओ जरा 16108 बार। अब सुदामा जी 25-50 बार बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, थोड़ी देर बाद सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, भाव 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 भाव, 25-50 बार हो 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 हो। आखिरी में सुदामा जी कन्हैया जी से बोले ये सब तेरी है अपनी है, चलने दे दादा। सुदामा जी बोले मुझे मेरे घर छोड़िए,
अगर इन सबको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे छोड़ दिया जाना, मैं नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद तेरे भतीजे आए हैं। सुमा सुदामा जी ने पूछा कितने हैं, तो कि एक एक रानी के 11-11 176,000। सुदामा बोले मुझे मेरे घर पहुंचा दे दादा, पूरे घर पहुंचा दे, पूरे इंदौर वालों को बुला लिया। अभी हमको भी लग रहा था, संजय भैया बोले परिवार वाले प्रणाम करेंगे, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि कहीं पूरा एक नंबर का कम। और वास्तव होता है जो भी जिस पद पर रहता है उसके अनुसार उसका जो क्षेत्र रहता है वो क्षेत्र हल्का नहीं होता, उसका परिवार होता है, ये निश्चित है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न क्या पूछा देवराज ने, कहा महाराज मान लो मेरी माता का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं कैलाश धाम जा रहा हूं, पर मैंने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा, एक ब्राह्मण बाच रहे थे, मैंने सुनी थी, शरीर में ताप हो रहा था, कथा तो सुनाई नहीं थी, पर महाराज चिल्लाए थे क्या, हर हर महादेव। जब महाराज ने आवाज लगाई थी वो हर हर महादेव का शब्द मेरे कानों में गया था, उसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा वो बता दो। भगवान शिव के गणों ने तो कुछ नहीं कहा, तब उसी समय पर भगवान शिव ने आकर नंदी का जो मुख में लगने वाली नाल थी वो पकड़ी, रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़कर देवाधिदेव महादेव लेकर सीधे वैकुंठ चले गए, वैकुंठ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुण वरुण लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है, ये हर हर महादेव का फल। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तक उसका महत्व। इतने सारे भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं, उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाकर जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता है कि कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, कथा तो मोबाइल पर भी सुनते हैं, पर इतने लोग कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं, उसका फल क्या है, क्यों जाकर बैठते हैं? गंगा नदी दिख रही है, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, उसका फल मिलेगा। टीवी पर दर्शन करे तुमने गंगा जी का, उसका फल मिलेगा। टीवी पर आरती का दर्शन करा, उसका फल मिलेगा। टीवी पर कथा सुनी, सत्संग सुना, भजन करा, उसका फल मिलेगा। पर गंगा के घाट पर हरिद्वार पहुंच गए और डुबकी लगाई है तो केवल शरीर नहीं तरा है, साथ में जो कपड़े थे वो भी तर गए हैं। महाराज केवल अकेला जीव नहीं तरा है, ना जाने कितनों को तार दिया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कथा सुनने के बाद में पंडाल से जब व्यक्ति बाहर निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है तो इसके शरीर से जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल है इस महापुराण, इतना फल उसका भी। कितों को तार दिया आपने, कितों को? कथा सुन के गाड़ी में बैठी, ऑटो में बैठी, ऑटो में दूसरे भी बैठे थे जो कथा में नहीं आए थे, उनके भी तुम पास में जाके बैठी तो तुम्हारा कपड़ा उसके शरीर में लगा, उसको भी थोड़ा थोड़ा गंगा नदी का जल का भाग मिल गया। और आगे गई, घर पहुंच गई, घर पे जाके बैठी, वहां पर भी इस रज का जो सुख पहुंचा है उसे ना जाने कितने कितने ना जाने कितने कथा ग्रहण किया। शिव कथा कर भगवान शंकर का गुणगान करा। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था। कारण एक व्यक्ति
कि पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की होती है, पर व्यक्ति की पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं होती है। उसने पेट दिया है, पेटी देकर भेजा नहीं था उसने। अगर ऊपर से वो पेटी देकर भेजता तुमको तो पेटी भी वो भर देता। उसने क्या देकर भेजा तुमको? पेट। इसलिए उसकी जवाबदारी है कि तुम्हें भूखा नहीं सुलाए। ये उसकी जवाबदारी है, तुम्हें भूखा नहीं सुलाए। भूखा नहीं सुन, पेट देकर उसने भेजा तो तुम्हारा गुजारा वो करेगा। परिवार उसने दिया है तो वो चलाएगा, रिश्ते नाते बनाए निभाए। पर पेटी की जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारी पेटी भरूंगा। पर दुनिया के लोग पेट पर जितना ध्यान नहीं देते उतना पेटी पर देते हैं, और पेटी पर ज्यादा ध्यान दिया इसलिए उसको भरने के चक्कर में पेटी तो भरा गई पर ये शरीर पूरा व्यर्थ हो गया। पूरा कानपुर की कथा में एक बात कही थी कि ड्रेस और एड्रेस, क्या चीज है ड्रेस और एड्रेस, ये दो अगर सही हैं तो तुम्हें परमात्मा के द्वार रोकने से कोई नहीं रोक सकता। जानने से एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस, अपना सही रखिए। एड्रेस का मतलब है सही जगह जाकर बैठो, सही जगह पहुंचो, सही जगह पर पहुंचकर सही काम करो। आपका एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर मदिरा नहीं भी पीते हैं और मदिरा पीने वालों के पास में बैठोगे तो लोग शंका तो करेंगे। जुआ नहीं खेलते और जुआरियों के पास बैठोगे तो शंका तो करेंगे। आप किसी भजन करने वाले के पास बैठोगे तो लोग कहेंगे कि इसको भी भजन आता होगा, नहीं आता होगा तो मंजीरा तो बजाएगा, मंजीरा नहीं बजाएगा तो सत्संग तो करेंगे। तो ये ड्रेस और एड्रेस सही होना चाहिए। बिंदुक ने अपना ड्रेस और एड्रेस सही नहीं कर पाया, प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। कंचुला देवी ने तुमुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा करवाना चाहिए। उस कथा का फल क्या हुआ कि बिंदुक प्रेत योनि से छूटे।